राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषि भूमि में उत्तराधिकार का नियम और ये उत्तराधिकार का नियम भाइयों के लिए कि अगर उसके भाई की मृत्यु होती है, ठीक है, तो भाई को संपत्ति में हक कब मिलेगा, यानी भाई की मृत्यु होने पे उसकी कृषि भूमि में भाई को हिस्सा कब मिलेगा, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ या कानून से जुड़ा हुआ डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी छात्र या छात्रा को PCHJ APO HJS के एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है, वो अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पर संपर्क करके। और अगर किसी भी व्यक्ति को कानून से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो वो भी इस नंबर पे जो है संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि भाई की मृत्यु होने पर भाई का हक क्या होता है। फिर से समझिएगा, ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी धर्मों पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैनी हो, इससे मतलब नहीं है, हर एक पे लागू होता है। ये धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, मज़हब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करती है। इस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108, ठीक है, UP रेवेन्यू एक्ट 2006। इसी कानून के अनुसार भाई की मृत्यु होने पे जो कृषि जमीन होती है उसमें कब भाई को हक मिलता है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी कृषि ज़मीनें हैं, जितनी भी कृषि भूमियां हैं, जो खेती योग्य भूमियां जिस पे खेती की जाती है, वो चाहे 4 आना मालियत की हों, 8 आना मालियत की हों, 12 आना मालियत की हों, 16 आना मालियत की हों, इससे मतलब नहीं हो किसी भी मालियत की हों, अगर वो कृषि भूमि दर्ज हैं तो उस कृषि भूमि पे किसी भी व्यक्ति के मृत्यु होने पे उत्तराधिकार का जो नियम होगा वो हमेशा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार चलेगा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 का कानून था, जो रिपील हो चुका है, जो खत्म किया जा चुका है, उसकी जगह पे ये नया कानून बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं उत्तराधिकार का नियम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि भाई की मृत्यु होने पे उसके भाई को संपत्ति में हक कब मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कानून भी तब लागू होगा, यानी ये उत्तराधिकार का नियम तब लागू होगा जब भाई की मृत्यु होने के समय उसके नाम कृषि भूमि हो। अगर उसके नाम कृषि भूमि नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगा हक, ठीक है, या थी लेकिन वो बेच दिया, किसी को वसीयत कर दिया, किसी को दान कर दिया, तब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसने स्वामित्व का ट्रांसफर कर चुका है वो, तब फिर आपको उसमें नहीं मिलेगा, यानी मरने के समय उसके पास ज़मीनें बच गई हों या पूरी की पूरी हों, तब ऐसी स्थिति में भाई की मृत्यु होने पर भाई को हक कब मिलेगा। ध्यान दीजिए, भाई प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं होता है। हाँ, ज़मीन में उत्तराधिकारी है लेकिन वो प्रथम वर्ग का नहीं है। प्रथम वर्ग का मतलब होता है जो ऊपर के उत्तराधिकारी होते हैं वो नीचे वालों को अपवर्जित कर देते हैं, यानी जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के उत्तराधिकारी हैं उसके नीचे का जो भी वर्ग होगा उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऊपर वालों को पूरी की पूरी संपत्ति मिल जाती है। लेकिन कौन सी संपत्ति? कृषि भूमि। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है विधवा पुत्र एवं अविवाहित पुत्री। अगर भाई की मृत्यु होने पर भाई की विधवा है, यानी इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति भाई जो है, भाई है, तो उसके भाई की मृत्यु होने पे उसकी भाभी होगी। अगर भाभी भी मर चुकी है, ठीक है, भाई की मृत्यु होने पे उसका पुत्र नहीं है, यानी इसका क्या होगा, इसका भी बेटा लगेगा, ठीक है, यानी भती भाई का लड़का तो भतीजा लगेगा, तो ना तो भतीजा हो, ना ही भतीजी हो, ना ही, ठीक है, वो अविवाहित भतीजी ना हो, हाँ ठीक है, इसका ना तो भतीजा हो ना भतीजी हो, ना तो भतीजा हो ना भतीजी हो, भतीजी चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, कोई नहीं होनी चाहिए। अगर भाई की मृत्यु होने पे, ठीक है, भाई की भतीजी या भतीजा है, यानी दूसरे भाई की भतीजी या भतीजा भी जीवित है, यानी कुल मिला के इस भाई की मृत्यु होने पे नहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पे उसकी बेटी चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर वो जीवित है तो उसके भाई को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भाई की मृत्यु होने पर भाई का हक, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो भाई की मृत्यु अगर हो रही है तो उस भाई की ना तो विधवा हो, ना ही उसके पुत्र हो, ना पुत्रों के पुत्र हो, ठीक है, अगर पुत्रों के भी पुत्र हैं, यानी अगर उसके बेटे की तो मृत्यु हो गई लेकिन बेटे के बच्चे हैं, तो भाई को कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उसके बेटों के बेटों को चला जाएगा, यानी अर्थात उसके
पोतों को चला जाएगा, जिसको हम पोता कहते हैं या कहीं कहीं उसको नाती भी कहते हैं, तो उनको हिस्सा मिल जाएगा। और ना तो भाई की अविवाहित बेटी हो, अविवाहित बेटी होने पे भी इसके भाई को कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही इसकी अविवाहित, ठीक है, अविवाहित बेटी भी नहीं होनी चाहिए, ना ही विवाहित बेटी हो। दूसरा, भाई की मृत्यु होने पे, अगर जिस भाई की मृत्यु हुई अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो भाइयों को कोई हिस्सा नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और अगर उसकी मृत्यु हो गई, अगर उसकी मृत्यु हो गई, उसके नाम कोई ज़मीन है और उसकी मृत्यु हो गई और उसके माता पिता जीवित हैं तो भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, माता पिता को संपत्ति चली जाएगी। तो भाई की मृत्यु होने पे ना तो भाई की विधवा हो, ना तो उसकी पत्नी हो, ना ही पत्नी, मतलब अब तो विधवा हो चुकी है क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई है, तो ना तो उसकी विधवा हो, ना ही भाई के कोई बच्चे हो। भाई का कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, ना तो बेटी हो ना बेटा हो, ठीक है, ना वो विवाहित हो ना अविवाहित हो। इतना ही नहीं, भाई के बेटे की भी बच्चे ना हो, बेटे के भी बेटे ना हो। अगर भाई के बेटे की मृत्यु हो गई है लेकिन बेटे के बेटे हैं तो भी भाइयों को हक नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरा, क्योंकि अब उसका खुद का अपना बेटा है, बेटे के बेटे तो है ना, तो संपत्ति उनको चली जाएगी। दूसरा, भाई की मृत्यु होने पे अगर भाई की विवाहित बेटी भी ना हो, नहीं तो उसको मिल जाएगा, तो भाई के माता पिता भी, कुल मिला के भाई के कौन कौन लोग ना हो, ना तो भाई की मृत्यु होने पे भाई की विधवा हो, ना उसके बेटे हो, ना विवाहित बेटियां हो, ना बेटों के बेटे हो, ना ही उसके माता पिता हो, ना ही उसकी विवाहित बेटियां हो, तब भाई को हक मिलेगा। और भाई को ही नहीं मिलता है, साथ ही साथ अविवाहित बहन को भी मिलता है, और भतीजा एवं भतीजी हैं तो उन्हें भी हक मिलता है। इन सबको बराबर बराबर मिलेगा। अगर चारों लोग हैं, यानी भाई के भाई भी है, अविवाहित बहन भी है, भतीजा भी है, भतीजी भी है, तो चार बीघा ज़मीन है तो चारों को एक एक बीघा मिल जाएगा। अगर उनमें से कोई नहीं है तो उसका हिस्सा शेष तीनों में बट जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, भाई की मृत्यु होने पे कृषि भूमि में भाई को संपत्ति कब जाती है। ठीक, और ये सभी धर्मों पे लागू होती है, लेकिन ये कानून केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश से भिन्न राज्यों पे ये कानून लागू नहीं होता है, वहाँ का अपना कोई दूसरा कानून होगा।